तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाली है। दोस्तों आज की वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब आप फेसबुक में सेटअप पेमेंट अकाउंट करते हैं तो वहाँ पे आप लोग जब बैंक ऐड करते हैं तो एक फीचर आप लोगों को वहाँ पे देखने को मिलता है स्विफ्ट कोड का। तो आप लोग यहाँ पर जो कंट्री चूज कर लेते हैं, अकाउंट होल्डर नेम डाल देते हैं और यहाँ पर आप लोगों को उसके बाद स्विफ्ट कोड डालने का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर आप लोग सोचने लगते हैं स्विफ्ट कोड मतलब क्या होता है। IFSC कोड तो आप जानते हैं जो हर एक ब्रांच का अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पे स्विफ्ट कोड क्या होता है यही आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो भी स्विफ्ट कोड से लेकर आपको जो है डाउट है सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आपको अपने फोन में क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है, या पहले आप लोग देख लीजिए मैं यहाँ पे जो भी कर रहा हूँ, मैं क्रोम ब्राउजर ओपन करता हूँ तो मेरा बैंक जो है यूनियन बैंक है। ओके दोस्तों, अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ यूनियन बैंक स्विफ्ट कोड। यूनियन बैंक स्विफ्ट कोड सर्च करता हूँ तो यहाँ पे तमाम जो है स्विफ्ट कोड आ जाते हैं। एक बैंक का काफी जो है स्विफ्ट कोड होता है। तो यहाँ पे आप जो देख सकते हैं पहली वेबसाइट है, मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पे अभी आप लोग देखेंगे काफ़ी ज़्यादा स्विफ्ट कोड यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जो यहाँ पे स्विफ्ट कोड है आप लोग देख सकते हैं UBIN INBB करके है। तो यहाँ पे ये जो स्विफ्ट कोड है मुंबई सिटी का है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का है लेकिन ये जो है मुंबई सिटी का है। तो आप लोग जो भी सिटी के हैं, जैसे कि अगर आप लखनऊ के हैं तो लखनऊ का स्विफ्ट कोड यूज करेंगे, यानी कि जो भी आप कहीं का भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंड्री नहीं है दोस्तों, आप यहीं का यूज करेंगे, आप कहीं का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपका जो बैंक है यूनियन बैंक है तो उससे आपका जो बैंक है यूनियन है, चलिए सिर्फ ठीक है वो यूनियन बैंक का जो स्विफ्ट कोड यूज करना, लेकिन आपसे नजदीक जो सिटी हो उसका यूज करिए ताकि कभी भी पेमेंट आए, अगर पेमेंट होल्ड हो जाए तो वहां भी आप लोग जा पाए। तो यहाँ पे जैसे मैं सर्च करता हूँ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया स्विफ्ट कोड बनारस, बनारस का मैं स्विफ्ट कोड यूज करूंगा तो बनारस हमारे यहाँ से नजदीक पड़ता है। अगर पेमेंट आती है, पेमेंट हमारे खाते में वो लोग ट्रांसफर नहीं करते हैं, होल्ड कर देते हैं, तो मैं वहां से जाकर जो भी डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे प्रोवाइड कर सकता हूं और अपनी जो पेमेंट जो रुकी हुई है उसको होल्ड से जो पेंडिंग है उसको जो प्रोसेस में ला सकता हूं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपके नजदीक में जो भी सिटी है, जैसे कि बड़ी बड़ी सिटी का होता है पिन को स्विफ्ट कोड होता है, तो वहां का आप लोग स्विफ्ट कोड यूज करिए। और यहाँ पे स्विफ्ट कोड को कॉपी हमने कर लिया जो कि बनारस का है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। आप मुंबई का यूज़ करना चाहते हैं, कहीं और का कहीं भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे और इसके बाद लिंक जो है इसको कर देंगे नीचे वाले ऑप्शन पर, लिंक पे आउट मेथड पर। अगर दोस्तों पूरा सेटअप आपको देखना है जो पेमेंट का, तो यहाँ पर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उस पर क्लिक करके आप पूरा सेटअप देख सकते हैं।